में श्रीमद् भागवत के समापन पर कृष्ण सुधामा का मार्मिक चित्रण कथा के आयोजक राजीव चौधरी गुड्डू को क्या सम्मानित। झुंझुनू स्थानीय चूणा चौक में भाजपा नेता राजीव चौधरी गुड्डू द्वारा आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत के समापन दिवस पर अयोध्या से पधारे संतोष गोस्वामी जी महाराज ने आज की कथा में जिस अत्याचारी राजा कंस की मुक्ति के लिए अवतार लिया था उसका वध करने की कथा के साथ दोस्ती की मिसाल कृष्ण सुधामा का मार्मिक चित्रण किया। आज समापन समारोह में बोलते हुए कथा के आयोजक राजीव चौधरी गुड्डू ने बताया कि ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि महाराज जी के मुखारबिंदु से झुंझुनूवासियों को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान करने का मौका मिला। उन्होंने कथा में पधारी मातृशक्ति में श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेते हुए निर्बल व्यक्ति पर हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। इस अवसर पर व्यासपीठ में मैं जिले के सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। कथा संयोजक भाजपा नेता महेश बसावतिया ने कहा कि इस अवसर पर गल्ला व्यापारी संघ अध्यक्ष आनंद टिबड़ा, सचिन विपिन, राणा सरिया, कैलाश सिंघानिया, रघुनाथ पेदार, धीरेन्द्र चौधरी, गोपी खेतान, महेंद्र सैनी ने भाजपा नेता राजीव चौधरी को साफा पहना कर सम्मानित किया। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद सरस्वती, नारनौल से बाबा सेवानंद काशीधाम, स्वामी मिथिलेश्वानंद, शिवचरण पुरोहित, भावना शर्मा, विद्या पुरोहित, रामलास बगोरिया, सुनीता वर्मा, एबीएन से परमेश्वर हलवाई, अमित पांडे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।